घमंडी बड़ी बहन। एक गांव में दो बहनें रहा करती थी, प्रतिमा और देविका। प्रतिमा के कम पढ़े लिखे होने के कारण उसका विवाह गरीब परिवार में हुआ। वहीं देविका जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड देविका को पहले से ही था और विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थी। जब भी मौका मिलता, देविका प्रतिमा को उसकी गरीबी के कारण उसे नीचा दिखाने की कोशिश किया करती। अरे प्रतिमा, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया, और पता है हम जल्दी खेत खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ लिया ही नहीं होगा। मगर तुम कर भी क्या सकती हो, तेरा पति इतना गरीब है, भला वो तुझे क्या ही खरीद कर देगा। प्रतिमा को बुरा तो लगा, लेकिन वो मन महसूस कर रह गई। प्रतिमा के दिन बड़े ही तंगी से गुजर रहे थे। दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा पाते थे। एक बार प्रतिमा अपनी बड़े बहन देविका के पास मदद मांगने गई। दीदी, आज हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर गए थे, मगर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। दीदी, आज तुम थोड़े बहुत पैसों की मदद कर दो, हम तुम्हारे पैसे जल्द ही लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है, अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, हम खेत खरीद रहे हैं, तो आज सुबह सुबह मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए, घर में आज एक भी पैसा नहीं है। अपने बड़े बहन की बात सुन प्रतिमा निराश होकर घर लौट आई। फिर वो मन ही मन बोली, दीदी ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूं, मैं बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूं, वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। प्रतिमा अपने बड़े भाई ओम प्रकाश के घर जाने के लिए निकल गई। रास्ते में प्रतिमा को एक बूढ़ा बाबा मिला। अरे बाबा, इतने गर्मी में आप ये भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस यही पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी उसी ओर ही जा रही हूँ। लाइए, आप अपना ये मटका मुझे दे दीजिए। नहीं बेटी नहीं, मैं ले जाऊंगा मटका, तुम क्यों तकलीफ उठाती हो? अरे बाबा, मैं भी तो आपकी बेटी की जैसी हूँ ना, लाओ मुझे ये मटका दे दो। इतना कहकर प्रतिमा ने बूढ़े बाबा से मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुंचे। प्रतिमा ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका छोड़ दिया। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। प्रतिमा अपने बड़े भाई के घर पहुंची, मगर उस समय उसका बड़ा भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ पर हैं? वो अभी घर पर नहीं हैं। अरे, मुझे भैया से जरूरी काम था। क्या काम है, मुझसे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊं? अभी हमारे घर में हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास तो वक्त के खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है जिसमें से तोड़कर तुम्हें हम दे देंगे। हमारे पास अभी पैसे नहीं है, समझी? पैसे मांगने के अलावा कोई काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से चली जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। इतना कहकर प्रतिमा दुखी होकर वापस अपने गांव लौटने लगी कि तभी रास्ते में उसे वही बूढ़ा बाबा मिला। बेटी इधर आओ। अरे बाबा, आप? वैसे बेटी, तुम इस गांव में किसके घर गई थी? बाबा, मैं अपने बड़े भैया के घर उनसे मदद मांगने आई थी। इतना बोलकर प्रतिमा ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। बेटी, तुम इन तीन घड़ों में से एक घड़ा ले लो। पर क्यों बाबा? अरे बेटी, तुम इतनी दूर से पैदल चलकर आई हो, और पैदल ही चलकर तुझे अपने गांव वापस जाना है। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो इस घड़े के अंदर लड्डू है, तू वो लड्डू खा लेना बेटी। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए, आपने मुझसे पूछा वही बहुत है। अरे बेटी ले लो, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। फिर बाबा के बार बार कहने पर प्रतिमा ने वो घड़ा बाबा से ले लिया। बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। इतना कहकर प्रतिमा अपने घर की ओर जाने लगी। प्रतिमा जब घर पर पहुँची तब उसका पति शंकर उससे बोला, अरे प्रतिमा, आज तुम अपने भैया के घर गई थी, तुम्हारे भैया ने तुम्हारी कुछ मदद की? हाँ, मैं गई थी, लेकिन भैया घर पर नहीं थे और भाभी ने मदद करने से मना कर दिया। ओह, इसका मतलब आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब क्या तुम्हारे पास पैसे हैं?
अरे नहीं, जब मैं भैया के घर से वापस लौट रही थी तब मुझे रास्ते में एक बाबा मिले और उन्होंने मुझे लड्डू से भरा हुआ एक घड़ा दिया कि रास्ते में अगर मुझे भूख लगे तो मैं खा लूं। मगर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ फटाफट से तुम वो लड्डू ले आओ, हम दोनों मिलकर खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही प्रतिमा ने घड़े को खोलकर देखा वो चौंक गई। अरे बाप रे, सोने के सिक्के और वो भी इतने सारे। सुनो जी, जल्दी धराओ। अरे क्या हुआ? शंकर ने जब घड़े की ओर देखा, अरे बाप रे बाप, इतने सारे सोने के सिक्के, तुम्हें ये घड़ा आखिर दिया किसने? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये घड़ा एक बूढ़े बाबा ने ही दिया था। अरे भाग्यवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। आप सही बोल रहे हो, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। प्रतिमा और उसके पति शंकर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर उन दोनों ने गांव में खेती के योग्य एक जमीन खरीदी। प्रतिमा की तरक्की देखकर देविका को बहुत जलन होने लगी। वो अपने पति रामकिशोर से बोली, अरे सुनो जी, ये मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो भिखारन बनकर मुझसे भीख मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति दूसरों के खेतों में काम करता था और अब एकदम से इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया? मगर मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन को तुम्हारे बड़े भाई के घर की ओर जाते देखा था। क्या, भैया के घर की ओर? हाँ, मुझे तो लगता है भैया के घर से ही इतनी सारी धन दौलत लेकर आई होगी। मगर तुम्हारा बड़ा भाई कैसा है, जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तुम भी तो हो। भाई के लिए तो दोनों बहन सामान्य है, तो दोनों बहनों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार है उतना ही मेरा अधिकार है। हम कल ही सुबह बड़े भैया के घर चलेंगे। फिर सुबह सुबह देविका अपने पति राम किशोर के साथ अपने बड़े भाई के घर जाने के लिए निकली। उन्हें भी रास्ते में वही बूढ़े बाबा मिले। अरे बेटी, तुम ये जरा मटका उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या बेटी? क्या, तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठता। तो कृपा करके बेटी, बस तुम इस मटके को मेरे कंधे पर रख दो बेटी। तू क्या हमसे पूछकर बुड्ढा हुआ था? खुद ही तो बुड्ढा हुआ है। अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इस बुड्ढे की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। देविका ने बूढ़े बाबा की कोई मदद नहीं की। फिर देविका अपने बड़े भाई के घर जा पहुंची। अरे भैया भाभी, क्या कुछ दिन पहले प्रतिमा यहाँ आई थी क्या? हाँ देविका, थोड़े दिन पहले प्रतिमा यहाँ आई थी, मगर उससे नहीं मिला। जब वो घर आई थी मैं शहर गया हुआ था, उससे केवल तुम्हारी भाभी ही मिली थी। ओ अच्छा, भाभी तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तो ही तो कुछ देंगे। अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ भी नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो, खाना तो खा कर जाओ। नहीं नहीं, हम बस यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा आपसे मिलते हुए चलें। अच्छा ठीक है भैया भाभी, अब हम चलते हैं। अरे भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, तो फिर उसे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली? मैं भी वही सोच रहा हूँ। इतनी धूप में चलने के बाद मुझे जोर की प्यास लगी है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी उन्हीं बूढ़े बाबा की थी। वो दोनों उस झोपड़ी के पास गए। कहो बेटी, मेरी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ अंदर आओ। बाबा, हमने तो तुम्हें तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी तुमने मुझे पानी पिलाया। तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था और ये मेरा कर्म है। वैसे बेटी, मैंने तुम दोनों को इस गांव में पहली बार देखा है। तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम आए थे। अच्छा बेटी, तुम ओम प्रकाश की बहन हो ना? और तुम्हारी एक और भी बहन है ना, जो थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? हाँ, वो थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई थी, पर आपको कैसे पता? बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मुझसे मेरा पानी का मटका लेकर मेरी झोपड़ी तक पहुँचाया था।
मगर बाबा तुम्हें पता है, जब से मेरी छोटी बहन भैया के घर से होकर आई है तब से उसके पास ढेर सारा धन दौलत आ गया है। बताता हूँ बेटी, उस बच्ची के पास जितना भी धन दौलत आई है उसके अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के कारण प्राप्त हुई है। बाबा मुझे तो तुम्हारी बात समझ ही नहीं आ रही, और वैसे भी मेरी बहन के ऐसे कौन से अच्छे कर्म है जो उसे इतना सारा धन मिल गया। कर्म और नीयत अच्छी होने से ही धनवान कैसे हो सकते हैं बाबा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। सब बताता हूँ तुम्हें, देखो यहाँ जितने भी घड़े रखे हुए हैं ये कोई साधारण घड़े नहीं है, ये मनुष्य के कर्मों और अच्छी नीयत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। बाबा मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ गई, ये कर्मों के घड़े हैं ना, अपना जैसा कर्म होगा इस घड़े में से अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। बाबा अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप एक घड़ा हमें दे सकते हैं, हम भी अपना कर्म आजमा कर देखना चाहते हैं। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं, ले लो तुम भी एक घड़ा ले लो, तुम भी अपने कर्म और अपनी नियत का फल पाओ। देविका को भी बूढ़े बाबा ने एक घड़ा दे दिया और दोनों वापस अपने घर लौट आए। घर पहुंचने के बाद जैसे ही उन दोनों ने उस घड़े को खोल कर देखा, उनके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगे। बाप रे बाप, हमारे घड़े में से तो बहुत सारे कीड़े निकले हैं। पर क्या गलत निकला, अपने कर्मों के हिसाब से हमें बिल्कुल सही मिला है। हम बहुत लालची थे, तुम्हारी बहन बेचारी मजबूरी के मारे हमारे पास कुछ पैसों की मदद मांगने आई थी, लेकिन हमने उसकी मदद नहीं की। कर्म ऐसे करने के बाद हम अच्छे फल की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अपने पैसों का बहुत घमंड था, मैंने अपनी बेचारी छोटी बहन की मजबूरी तक नहीं समझी, मैं हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। देविका और उसके पति राम किशोर को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। एक बार की बात है, सुहाना नगर नाम के एक गांव में शीतल नाम की एक 10 साल की लड़की रहती थी। शीतल के परिवार में उसकी छोटी बहन सिमरन और पिता जगन्नाथ थे। अभी एक साल पहले ही शीतल की माँ अपने दोनों बच्चों को छोड़कर बगल में रहने वाले आदमी के साथ भाग गई थी। इसी गम में जगन्नाथ दारू पीना शुरू कर देता है। अब वो रोजाना दारू पीकर घर आता था। शीतल की छोटी बहन सिमरन केवल 4 साल की थी। जगन्नाथ को उनकी कोई फिक्र नहीं थी, वो मजदूरी करता था। मजदूरी करके वो जो भी कमाता सब शराब पीने में खत्म कर देता था। वो अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। एक दिन शीतल अपने पापा के पास आकर बोली, पापा बहुत भूख लगी है, घर में सारा राशन खत्म हो चुका है, आप इतना शराब क्यों पीते हैं? अगर कुछ पैसों का राशन ले आते तो हमें इस तरह भूखे नहीं सोना पड़ता। अगर इतनी ही परेशानी है तो तू भी अपनी माँ की तरह किसी के साथ भाग जा। आप पागल हो गए हैं क्या, किस तरह की बातें कर रहे हैं, कोई ऐसे बात करता है क्या अपनी बेटी के साथ? और नहीं तो क्या बोलूं? तेरी माँ तो भाग गई किसी के साथ, अब मैं कहाँ से खिलाऊं तुम दोनों को? मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए पैसे नहीं है। हमारे आस पड़ोस के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे स्कूल वालों ने तो मुझे स्कूल से बाहर कर दिया क्योंकि आप फीस जमा नहीं करवाते थे। बेचारी सिमरन, उसका क्या कसूर है, कम से कम उसे तो स्कूल भेज दिया कीजिए। अच्छा, अगर तुम दोनों स्कूल जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? भूख लगी है तो पड़ोस वालों से कुछ मांग लो, जाओ यहाँ से मेरा सर मत खाओ। कब तक इधर उधर से मांग कर खाते रहेंगे, लोग हमें गालियाँ देते हैं। देख मुझसे ज्यादा जुबान मत चला और चले जाए यहाँ से। बेचारी शीतल रोते हुए वहाँ से चली गई। बेचारी 10 साल की बच्ची कर भी क्या सकती थी। वो अपनी बहन के पास चली गई, तब उसकी बहन ने कहा, दीदी कुछ करो ना, बहुत जोर से भूख लगी है। तू चिंता मत कर छोटी, मैं अभी पड़ोस वाली काकी से खाना मांग कर लाती हूँ। बेचारी शीतल मायूस सा मुंह लेकर बगल वाली काकी के पास गई और बोली, आंटी जी रात का कुछ खाना बचा हुआ है तो दे दो, सिमरन को बहुत भूख लगी है, मुझे भी लगी है, लेकिन घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तेरे बाप को तो दारू पीने से फुर्सत नहीं है, कब तक मेरे घर का खाना खाकर जियोगे? अब रोज रोज थोड़ी ना मैं तुम्हें खाना दे पाऊंगी। बहुत भूख लगी है आंटी जी, प्लीज दे दो ना। पड़ोसन को बेचारी शीतल पर दया आ गई और वो 4 रोटी निकाल कर उसके हाथ में देते हुए बोली, ये ले, रात को खाना तो नहीं बचा था, आज सुबह मैंने रोटियां बनाई थी, ये 4 रोटियां ले ले,
दो तू खा लेना और दो अपनी बहन को खिला देना। और हाँ, सुबह मैंने ये दाल बनाई थी, ये भी लेती जा। शीतल खाना पाकर बहुत खुश हुई और खाना लेकर घर चली गई। घर जाकर शीतल ने सिमरन को खाना दिया। ले सिमरन, पड़ोस वाली आंटी से मैं थोड़ा सा खाना मांग कर लाई हूँ। एक एक रोटी अभी खा लेते हैं और एक एक रोटी रात को खा लेंगे, बस इतने में हमारा पेट तो भर ही जाएगा। सिमरन भी खाना देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद दोनों बहनें एक एक रोटी खा लेती हैं और बाकी का खाना रात को खाने के लिए रख देती हैं। इसी तरह उनका गुजारा चल रहा था। कभी उनको इधर उधर से कुछ खाना मिल जाता तो कभी उनको भूखा ही सोना पड़ता था। जगन्नाथ भी रात को दारू पीकर देर से आता था और घर आते ही सो जाता था, जैसे उसको अपने बच्चों से कुछ मतलब ही ना हो। इसी तरह उनके दिन गुजर रहे थे। कुछ दिनों बाद होली आने वाली थी। सभी लोग होली की तैयारियों में लगे हुए थे। आस पड़ोस में बहुत चहल पहल थी। हर जगह होली की इतनी चहल पहल देखकर वो दोनों बहनें उदास हो जाती हैं। उनका भी होली मनाने का बहुत मन था, लेकिन वो ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इसके लिए पैसे ही नहीं थे। इसी तरह होली का त्योहार आता है। सभी बच्चों को होली खेलते देख सिमरन बहुत उदास हो जाती है और अपनी बहन से कहती है, दीदी आज हमारी मम्मी होती तो हम भी होली खेलते, इन सभी बच्चों की तरह हम भी खूब मस्ती करते, है ना दीदी। सिमरन की ये सारी बातें सुनने के बाद शीतल कहती है, सिमरन हमारी मम्मी पवन चाचा के साथ चली गई है, तू उन्हें याद मत किया कर, जाने से पहले उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इसी तरह घर के बाहर खड़े होकर वो दोनों बहनें सभी बच्चों को होली खेलते हुए देखने लगती हैं। तभी वो देखती हैं कि सामने से उनका पिता जगन्नाथ आ रहा है। शीतल और सिमरन भागते हुए अपने पापा के पास जाती हैं और शीतल कहती है, पापा आज सबके घर में पकवान बन रहे हैं और भी बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजें बन रही हैं और सभी बच्चे इतनी अच्छी अच्छी पिचकारी से होली खेल रहे हैं, हमारे पास तो एक गुब्बारा तक नहीं है, हमें भी पैसे दीजिए ना, हम अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे और रंग भी खेलेंगे। हाँ पापा, मुझे भी पिचकारी और रंग चाहिए, मुझे भी होली खेलनी है। अपनी दोनों बच्चियों के चेहरे पर मायूसी देखकर उसे थोड़ी दया आ जाती है। वो अपने पॉकेट से 10 रुपए का नोट निकालता है और कहता है, ये लो मेरे जेब में 10 रुपए हैं, इस 10 रुपए का रंग ले आओ। सिर्फ 10 रुपए से क्या होगा पापा, इसमें तो हम ठीक से रंग भी नहीं ला पाएंगे और फिर मुझे अच्छी चीजें भी तो खानी है, जैसे कि गुजिया पकौड़ी। शीतल की ये बात सुनकर जगन्नाथ ने वो 10 रुपए का नोट भी अपने जेब में रख लिया और अपने दोस्तों के साथ शराब पीने चला गया और देर रात तक घर नहीं आया। दोनों बच्चियां देर रात तक इंतजार करती रहीं कि किसी के घर खाना बचे और वो उन्हें खाने के लिए दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज होली वाले दिन उनको भूखा ही सोना पड़ा। अगली सुबह पड़ोस वाली आंटी ने उन्हें खाने को रात का बचा हुआ कुछ खाना दे दिया। उसे खाकर दोनों बहनों को थोड़ी राहत मिली। उनकी ये होली अब तक की सबसे खराब होली गई थी। सिमरन बहुत उदास थी। क्या हुआ सिमरन, तू इतनी उदास क्यों है बहन? कल सभी लोगों ने होली खेली और अच्छे अच्छे पकवान खाए, पर हमने ना होली खेली और ना ही हमने अच्छी चीजें खाई, बल्कि कल तो हमें भूखा ही सोना पड़ा। तू चिंता क्यों करती है, देखना अगली बार की होली हम बहुत अच्छी मनाएंगे। मैं तेरे लिए पिचकारी लेकर आऊंगी, अच्छे अच्छे रंग लाऊंगी और तुझे बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजें भी खिलाऊंगी। इसी तरह काफी समय बीत गया। एक दिन शीतल ने देखा कि उसके आंगन में कुछ गुलाब के फूल उगे हुए हैं। उन फूलों को देखकर शीतल बहुत खुश हुई। कितने प्यारे फूल हैं, इतने अच्छे गुलाब तो मैंने बाजारों में बिकते हुए देखे हैं। वैसे बिकने से याद आया, मैं इन फूलों को भी तो बेच सकती हूँ, लेकिन ये तो 5-6 फूल ही हैं, इतने में क्या होगा, आज रात के खाने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। खुद से ही ये बातें करके शीतल ने उन सभी फूलों को तोड़ लिया और सिमरन के साथ उन फूलों को बेचने के लिए बाजार चली गई। वहाँ पर एक लड़की ने उन दोनों को फूल बेचते हुए देखा और उनके पास आकर बोली, ये फूल कितने रुपए के दे रही हो? ज्यादा नहीं, बस 10 रुपए का एक फूल। अच्छा तो तुम्हारे पास 5 फूल हैं, एक काम करो मुझे 5 फूल दे दो। शीतल बहुत खुश होती है और उस लड़की को 5 फूल दे देती है और बदले में उससे 50 रुपए ले लेती है। 50 रुपए लेकर सिमरन और शीतल दोनों ही बहुत खुश होते हैं।
वो लड़की देखती है कि सिमरन और शीतल पैसे लेकर सीधा खाने के ढाबे पर गए। ये देखकर वो लड़की उनके पास जाती है और कहती है, तुम दोनों इसी तरह फूल बेचती हो क्या? नहीं, हम पहली बार फूल बेचने आए हैं। मेरे आंगन में ही गुलाब के फूल उगे थे तो मैंने सोचा कि इन्हें बेच देती हूँ, फिर हमें खाने के लिए खाना मिल जाएगा। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है क्या? पापा है, लेकिन उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत दारू पीते हैं और मम्मी तो बगल वाले पवन चाचा के साथ भाग गई, इसलिए हम लोग स्कूल भी नहीं जा पाते और दो वक्त का खाना भी हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। बगल वाली आंटी हमें बचा कुचा खाना दे देती है। शीतल की आप बीती सुनकर उस लड़की को बहुत अफसोस होता है। उसकी आंखें नम हो जाती है। वो कहती है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ के पास वाले सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैं टीचर हूँ। कल तुम दोनों मेरे साथ वहाँ चलना, मैं तुम्हारा उस स्कूल में दाखिला करवा दूंगी। वहाँ तुम्हें किताब, ड्रेस और खाना सब कुछ मुफ्त मिलेगा। क्या सच में? हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पापा भी घर पर हैं? हाँ, अभी तो वो घर पर ही सो रहे हैं। चलो इस बारे में मैं तुम्हारे पापा से भी बात करती हूँ। ऐसा कहकर वो लड़की शीतल और सिमरन के साथ उसके घर जाती है। पापा देखो, ये दीदी आपसे मिलने आई है। जी नमस्ते मैडम, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते? मैं आपके घर के पास वाले सरकारी स्कूल की टीचर हूँ। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं तो इनका सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। नहीं तो ये बच्चे मेहनत मजदूरी करके ही अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो समाज में इनके साथ साथ आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। आप सही कह रही हैं। मैं शराब के नशे में अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। जब से रेशमा गई है मैंने इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज आपने मेरी आँखें खोल दी। अब मैं इन्हें स्कूल जरूर भेजूँगा। अपने पापा की बात सुनकर शीतल और सिमरन बहुत खुश हुए। अगले दिन शीतल और सिमरन स्कूल गए। उस लड़की ने उनका एडमिशन करवा दिया। तब से वो रोजाना स्कूल जाने लगे। इसी तरह एक साल बीत गया और फिर से होली का त्योहार आ गया। सिमरन ने अपनी बहन शीतल से कहा, दीदी फिर से होली का त्योहार आने वाला है, इस बार हम मस्ती करेंगे ना? हाँ मेरी बहन, बहुत मस्ती करेंगे। देखना, पापा हमारे लिए बहुत सारी चीजें लाएंगे। जैसा शीतल ने कहा था वैसा ही हुआ। उनके पिता जगन्नाथ बहुत सारी चीजें लेकर आए। दोनों बच्चों ने खूब खुशी से होली मनाई। ये होली उनकी सबसे बेस्ट थी। इसी तरह पढ़ लिख कर वो दोनों बहनें बहुत बड़ी अफसर बन गईं। उनके साथ साथ समाज में जगन्नाथ का भी खूब नाम हुआ। जगन्नाथ को अपनी दोनों बेटियों पर गर्व था। फिर से एक बार होली का त्योहार आया। उस दिन शीतल अपने घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी। सिमरन ये सब देखकर बोली, दीदी आपने इतने सारे पकवान क्यों बनाए हैं? जब हम छोटे थे तो हम इन चीजों के लिए कितना तरसते थे, इसलिए आज मैंने हमारे जैसे ही गरीब बच्चों के लिए इतने सारे पकवान बनाए हैं। चल तू भी मेरी मदद कर, हम ये हमारे गाँव के गरीब बच्चों में बांट देंगे। सिमरन बहुत खुश होती है। फिर दोनों बहनें मिलकर सारे पकवान गरीब बच्चों में बांट देती हैं। ऐसा करके उन्हें बहुत खुशी मिलती है। इस तरह अब वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते हैं।